बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नई वीडियो में खुश आमदीद। पाक विलेज इनसाइडर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म साफ़िर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैर खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मैंने आज सुबह वाली वीडियो में नाज़रीन वार्निंग जारी की थी कि ये जो बैक स्टेज प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, ये सारा कुछ करने से बाज आ जाओ, कुछ लोगों को मैंने कहा था। और दूसरा, जो आप पैनल्स पर बैठकर गंदगी करते हो, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो, घटिया बातें करते हो, ये सारा कुछ करने से बाज आ जाओ। अदरवाइज़ भी जो है वो फिर ज़ाहिर है, हमारा काम है रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना, तो फिर हम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आएँगे सामने और बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि कल किसी पैनल पर जो है वो कोई खातून जो कि अपना दिमागी तवाज़न खो चुकी है इस वक्त, उसे जो है वो हर जगह से रांधा दरगाह किया गया है और वो अपना दिमागी तवाज़न खो चुकी है और जगह जगह पर जाकर आजकल बहकी बहकी बातें कर रही है और ऑल फॉल बक रही है। जहाँ पर जाकर बैठती है और ऑल फॉल बकना स्टार्ट, उसके मुँह से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो खैर, कल वो लगी हुई थी तो मुझे जो है वो खैर उस वक्त पता नहीं चल सका, मुझे बाद में पता चला। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग रिकॉर्ड को ख़राब करना शुरू हो गए हैं, लोगों को, आम पब्लिक को, जनता को, और वो लोग जो इस केस को नहीं जानते उन लोगों को बहकाना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की ये वीडियो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि मैं आपके सामने आज वो चीज़ें रखने जा रहा हूँ बाकायदा प्रूफ्स के साथ, जो इससे पहले आपको नहीं पता थी, जो आज आपको पता लगेंगी। ये वीडियो इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ास तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आ सके, ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे, आप लोगों को बहुत बेहतर तौर पर पता चल सके कि असल में बैक स्टेज प्लानिंग और प्लॉटिंग किस तरह से हुआ करती है और ये किस तरह से करते रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पर मुखातिब करना चाहूँगा उन लोगों को कि जो आजकल केस 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 और फिर केस केस कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को स्पेशली दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक नज़रे करम इधर भी फरमाइए। ये जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा ये भी अपनी आँखें नाक और कान खोल कर सुन लीजिए और देख लीजिए कि असल में ये यहाँ पर ये सारे घटिया काम कौन करता रहा है, ठीक है। तो इस वक्त आप लोगों के साथ नाज़रीन में आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर शो हो रही है, एक स्क्रीनशॉट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये खातून, इनको सारे जानते हैं, आप सब के सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ज़रा अच्छा, इनकी ज़रा पहले आपकी कन्वर्सेशन सुन लें, फिर उसके बाद हम आगे मैं आपको और भी इनके कारनामे बताता हूँ। मैंने कहा था कि बाज़ आ जाओ, ठीक है, लेकिन नहीं बाज़ आए तो कोई मसला नहीं, हमने तो रिकॉर्ड दुरुस्त करना है ना। और बाय गॉड जो है वो मैंने आज नेट नहीं था, सारा दिन डाटा नहीं था, तो मैंने अपना स्क्रीनशॉट और अपने मोबाइल की गैलरी छानना स्टार्ट कर दी और कमाल की ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई ना, यकीन कीजिए कि पूरे का पूरा रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा। और अगर आप कल कलां को कोर्ट में भी जाते हैं तो आई थिंक आई हैव मैनी थिंग्स टू शो देयर। तो खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल जरा आप ये स्क्रीन शॉट देखिए और ये कन्वर्सेशन सुनिए। यहाँ पर ये खातून कह रही हैं कि आज नहीं, फिर कहते हैं जी ताकि कल सब नज़र आ जाएगा, कल तक के लिए वेट करें। फिर कहते हैं जी मैं एमकेएम वालों से बात भी की है। अच्छा, मैंने इस मैसेज पर रिस्पांस किया एमकेएम वाले पर, मैंने कब आपने बात की है। फिर कहते हैं जी बाकी उनका काम है, और मेरे कब का रिप्लाई करती हैं जी कल। फिर मैंने पूछा जी क्या करेंगे वो, मतलब एमकेएम वाले क्या करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं जी दिलबर को ले जाएंगे या उनके घर जाएंगे। अच्छा, ये सुनना था कि मेरा जो है वो कानों में जो है वो सांसा होने लग गई, मतलब अजीब तरह के वो सिचुएशन होगी कि मतलब मैं बिल्कुल माउफ होके रह गया कि मतलब ये क्या कर रही है। मतलब यार हम लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं सारे के सारे। एक केस जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो गंदगी जो सलमा लेके गई वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस पर सारे के सारे जो है वो अपना मैनर, खास तौर पर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैनर एंड पोलाइट वे में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, ठीक है। और भी बड़े सारे लोग हैं साफ सुथरे अंदाज में अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ जो है ही सोशल मीडिया पे ना, तो जब बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, मामला सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो फिर इतना पर्सनल, मतलब जाकर आप लोग फिज़िकली अब्यूज़ करने की बातें करते हैं और फिज़िकली अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहे हैं जी मैंने एमकेएम वालों से बात की है, ठीक है, वो दिलबर को उठा के ले जाएंगे या फिर उसके घर चले जाएँगे। तो मेरे दिमाग में जो है वो
मतलब साई साई होना स्टार्ट होगी कि ये क्या कह रही है। तो उस पर उसके बाद फिर कहती है इंशाल्लाह। तो अच्छा, मैंने फिर कंफर्म करने के लिए पूछा कि उठा के ले जाएंगे। कहती जी हाँ 9-0 उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा ना उस वक्त यूं कहें कि मेरी बड़ी बुरी कैफियत थी कि ये क्या करने जा रही है। तो खैर, मैंने उस वक्त मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सिस्टर प्लीज़ आप उनको कहिएगा कि वो जानी नुकसान ना हो, ठीक है। और मैं उसको यही कह सकता है, और मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है वो मासूम ख़वातीन, ये उन मासूम ख़वातीन जो कि ऑडियंस में से हैं जिनको कुछ पता नहीं होता कि बैकस्टेज क्या चल रहा है, ये उनके पास जाएगी और उनको मेरे बारे में जाके भड़काएगी कि देखें ये तो हमें काम करने से रोक रहा है, ये तो इस तरह। तो मैंने खैर इसको जो है वो सब कुछ नहीं कहा, और फिर मैंने कुछ 4-5 और लोगों की, पब्लिक में से 4-5 लोगों की ड्यूटी लगाई कि आप इसके पास जाएँ और जाकर इसको समझाएँ, ये सारा घटिया काम जो ये करने जा रही है करने से बाज आए। तो खैर, लोगों ने जाके इसको समझाया बुझाया और ये सारे काम, ये घटिया काम जो कि ये दिलबर के बारे में करने वाली थी, ये करने से जो है वो उन लोगों ने इसको बाज रखा, थैंक्स टू देम। खैर, तो बात ये है कि ये सिर्फ एक काम नहीं है, जो लोग केस केस की बातें कर रहे हैं, ज़रा उनको थोड़ा मैं आगाह करता चलूँ, अपडेट करता चलूँ, क्योंकि उनके हकाइक नहीं पता, सो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, सदाम वाला मामला, इस पर जो है मैं प्रूफ्स दूंगा आप लोगों को, ये सदाम वाला मामला, ये क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, आई हैव प्रूफ्स, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ रहे ना, ये लोग बहुत ज़रा घटिया हरकतें कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। तो देखिए, हमारा तो काम पब्लिक को बताना है। सदाम वाला मामला हो गया, मुसलिमा के घर पर अटैक करवाना, हमला करवाना, उसका जो है वो ऑडियंस और सारा कुछ सामने आ चुका है। सितारा के घर पर फायरिंग करवाना, उसके जो है वो प्रूफ्स मैंने भी अपनी वीडियो में दे दिए थे और उसके ऑडियंस भी जो है वो आप लोगों ने सुने। ये सारा काम, ये सारी घटिया हरकतें ये खवातीन करती रही हैं। अच्छा, मुझे आज, मैं सलमा से पूछना चाहूँगा कि आपका जो केस था, जो आप गंदगी सोशल मीडिया पे लेके आई, खैर वो अब साबित हो चुका है कि वो सब झूठ था, तो अब सवाल ये है कि ऐसी क्या पर्सनल दुश्मनी थी आपको अपने ही खानदान से, मतलब दिलबर आपका भांजा है, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको उसने सोशल मीडिया पर सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर सपोर्ट ना करने से खून के रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते, वो खून का रिश्ता जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बना दिया, वो आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, वो चलना ही चलना है, ठीक है, बाबर हो गया या बाकी के लोग जिसने आपको सपोर्ट नहीं किया आपके इस घटिया काम में। तो क्या आपके, मतलब किस बात की इतनी ज़्यादा नफरत थी कि जहरा ये खातून जो भी करती रही है या जो जो कुछ अभी भी कर रही है, ये सारा का सारा कुछ जो है वो सलमा के नाम पर कर रही है, ठीक है, और सलमा, वक्त ने यही साबित किया कि सलमा ने इसको आके सपोर्ट भी किया और सलमा सपोर्ट करती भी है, अभी तक डिसाउन नहीं किया उसने, वो उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जितने घटिया काम ये करती रही है या फिर जो कर रही है, दिलबर पर अटैक करवाने की कोशिश करना, मुसलमान के घर पर बंदे भेज कर अटैक करवाना, सितारा के घर पर फायरिंग करवाना, ठीक है, और सदाम वाला मैटर, वो सारी बातें वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये सारा कुछ करती रही है। तो सलमा, ये सारा कुछ आप क्यों करवाती रही हैं, मतलब आप तो देखिए, मेरे इन लोगों के साथ सिर्फ दो शिकवे हुआ करते थे अक्सर, कि या तो आप इस मामले को कोर्ट में लेके जाएं, कोर्ट में नहीं लेके जा रहे तो फिर आप इसे साबित करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप गाली गलौच, ये गंदी हरकतें, ये इस तरह की घटिया काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ करना बंद कर दीजिए, ये नुकसानदेह है, ये गलत है, ये सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, ये हम सब के लिए नुकसानदेह, ये सारा कुछ करना, मेरे दो मुतालबे इन लोगों से हुआ करते थे, जिस वजह से जो है वो मेरे साथ इन्होंने वो सारी घटिया रखते हैं वो सारा कुछ किया, इस वजह से किया। तो सवाल ये है कि सलमा ऐसा क्यों, मतलब क्या कसूर था दिलबर का, जिसके घर जो है वो एमक्यूएम को भेजने और उसको जो है वो उठवाने या फिर उसके घर भेजने की प्लानिंग की जा रही थी, क्या कसूर था उसका, और सितारा के बच्चों का क्या कसूर था कि जिनको जो है वो इन लोगों ने टारगेट किया, और क्या कसूर था सितारा का कि उसके घर जो है वो आपने फायरिंग तक करवाई, ये सारे मामले आप लोगों ने करवाई। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर अगर एमकेएम को बंदा मुझे सुन रहा है तो इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि उनका नाम जो है वो ये खातून इस तरह से इस्तेमाल कर रही है, एक गलत तरीके से, उनको एमकेएम एक पोलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में, ठीक है, और उनके नाम को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैं फारूक सत्तार के साथ रबते में, ठीक है, तो उनके नाम को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आई थिंक उनको एक्शन लेना चाहिए अगर वो देख रहे हैं। तो ये सारे घटिया काम, ये इस तरह की घटिया हरकतें, बाकी ज़ुबान भी आप लोगों ने इनकी देखी हुई है, इन सब की सबकी, और ये सिर्फ एक बंदी नहीं, ज़ाहिर है इसके साथ वो जो खातून का वो जो ऑल फॉल बकरी थी जिसका दिमागी तवाज़ुन खो चुका है, वो कल आके जो है वो ऑल फॉल बकरी थी, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी किसी पैनल पर बैठकर, तो ये सारे के सारे एक ही लोग हैं, वो लाहौर की जो है वो जाली वकील नहीं,
ठीक है, इस तरह के ये सारे के सारे एक ही ग्रुप है और ये सारे मिलजुल कर एक काम करते हैं। वो जो ऑडियंस सितारा के घर पर हमारे वाली ऑडियंस थी वो उसी जाली वकीलनी की थी ना, तो ये सारे के सारे लोग जो है वो एक ही तरह, एक ही जो है वो सिक्के के दो रुख हैं और एक ही तरह मिलकर ये काम करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जो आजकल केस केस की बातें करते हैं और वो खवातीन के जो साफ सुथरे अंदाज में अपना काम करते हैं उनको डराते धमकाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको विदाउट देखे, बगैर देखे या फिर बगैर सोचे समझे कोई इस तरह की हरकत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों को आप साथ बिठा कर जनरल पब्लिक को और आम खवातीन को डराते धमकाते हैं और हम जैसे लोगों को डराते धमकाते हैं, वो क्या क्या करती रही हैं, उनके क्या क्या काले करतूत हैं और क्या क्या कारनामे हैं। और जब कोर्ट में ये सारा कुछ जाएगा तो सारा कुछ सब सामने आएगा, ईच एंड एवरी थिंग के प्रूफ्स कोर्ट में पेश कर दिए जाएंगे। बड़ा शौक था ना असगर को मोबाइल जाके कोर्ट में रखने का, हम भी मोबाइल रखेंगे कोर्ट में जाके ताकि कोर्ट देखे कि सारे मोबाइल्स कोर्ट चेक कर ले कि कौन से मोबाइल से क्या निकलता है। ठीक है, तो खैर ये वो चीज़ें नाज़रीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये इस तरह की घटिया हरकतें करती थी, मैंने वार्निंग भी दी थी कि ये सारे काम करने, जो आप घटिया काम कर रही हो, सारा कुछ करना बंद कर दो। ठीक है, लेकिन ये लोग बाज़ नहीं आए और बाज़ आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल है, ये चीज़ें उनके खून में शामिल हैं इस तरह की घटिया हरकतें करना। तो कोई मसला नहीं, आप लोग करते रहिए, मैक्सिमम आप क्या करेंगे, गाली गलौज ही करेंगे, गालियाँ देंगे ना, घटिया घटिया ज़ुबान ही इस्तेमाल करेंगे ना। या मैक्सिमम आप ये करेंगे कि आप पैनल्स पर जाकर आम पब्लिक की करेक्ट असैसिनेशन करेंगे ना, यही करेंगे ना, जितने भी घटिया काम करेंगे ना, जितने भी घटिया काम करेंगे खुद को खुद गिराएंगे। और दूसरी बात आपको एक और जाते जाते मज़े की बात आप लोगों को और बता दूं कि आप जितना मेरी करेक्ट असैसिनेशन करते रहे हैं और मासूम खवातीन को आप टारगेट करते रहे हैं और इस तरह अपना चूरन बेचते रहे हैं, अब वो चूरन पुराना हो चुका है। अब वो वाला चूरन बेचकर आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हम में से किसी को आप किसी भी तरह चूरन बेचकर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आपको कुछ और ढूंढना होगा। ठीक है, कुछ नई चीज़ ढूंढिए, तब तक मैं जो है वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जारी रखूंगा। आप लोगों को, आप ही लोगों की सच्चाइयाँ आप लोगों को शीशा दिखाता रहूँगा, आपको आप ही लोगों का मुंह शीशे में दिखाता रहूंगा। ठीक है, ये करते रहिए। बाकी यार मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था, छान रहा था, तो चीज़ें और भी बड़ी सारी बाहर आई हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे मामला जो है वो निकल कर मेरे सामने आए हैं। आई थिंक कोई कुल मिला के वो सारे ला पा करके, मतलब कि मेरे जाती अपने मामला के स्क्रीनशॉट, कोई मेरे बिजनेस के स्क्रीनशॉट, मामलों के मिला जुला कोई 11,000 आई थिंक कोई फोटोज़ मेरे सामने आई स्क्रीनशॉट की, तो उसमें से बड़ी चीज़ें निकली हैं नाजरीन, बहुत कुछ निकला है और सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, या यहाँ पर या फिर कोर्ट में, और कोर्ट में जो होगा ज़ाहिर है वो भी आप लोगों के सामने ही आना है। तो सर सिंह, इसके सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, सब आपके सामने आएगा ताकि पानी की तरह सारा कुछ साफ हो जाए। क्योंकि बात ये है ना कि मैंने ये सोचा था कि यार ये घटिया औरतें अगर अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर देती हैं, ये बैक स्टेज प्लानिंग प्लॉटिंग करना, खवातीन को हरासा करना, खवातीन को ब्लैकमेल करना, उन पर कीचड़ उछालना, मुझ पर कीचड़ उछालना, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, मुझे डराना धमकाना, इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं, मैं सोचा था कि ये करना बंद कर देंगी, लेकिन ये करना बंद नहीं कर रही, तो फिर इनका असली चेहरा जो है वो फिर आप सारे के सारे देखिए, हम तो दिखाते रहेंगे। तो अब तक लिहाज इतना ही, अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं किस नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।